नहीं करेंगे। हड़ताल मतलब कॉमरेड सी सिंह जी ने बताइए, एक दिन का हड़ताल नहीं होगा, दो दिन का हड़ताल नहीं होगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल मतलब कब समाप्त होगा हमको मालूम नहीं, हमारा मांग सेटल होने तक यह हड़ताल चलते रहेगा। मैं ऐसा नहीं समझता हूं, BSNL एम्प्लॉइज काफी लंबा समय तक हड़ताल करने वाले नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। अब कांग्रेस को याद रहेगा, हम सब लोग 1991 में 100 रुपया के लिए 21 दिन तक हड़ताल किए। इस बार सवाल 100 रुपया का नहीं, हजारों रुपया का, जिंदगी का। रिटायरमेंट होने के बाद आपका सोशल सिक्योरिटी का, आपका पेंशन का, तो ये बहुत बड़ी बात है, उतना आसान से सेटल नहीं होगा। इसलिए पूरा BSNL को दिसंबर 3 तारीख लेकर हम बंद करा देंगे। फेज रिविजन, थर्ड फेज रिविजन तुरंत सेटल होना चाहिए, 4G स्पेक्ट्रम अलॉट करना चाहिए, और इसके साथ पेंशन रिविजन, पेमेंट ऑफ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन सेटल होना चाहिए। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब पार्लियामेंट या इलेक्शन तुरंत आने वाला है, एक बार इलेक्शन का अनाउंसमेंट आ गया तो कोड ऑफ डिसिप्लिन, कोड ऑफ कॉन्डक्ट चालू होगा, सरकार कोई फैसला नहीं ले सकता, उससे पहले सेटल करना जरूरी है। सभी कांग्रेस से मैं अनुरोध कर रहा हूं, पूरे देश का BSNL एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव से, ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL अनुरोध कर रहा है, दिसंबर 3 तारीख लेकर इंडेफिनिट स्ट्राइक 100% सक्सेस होना चाहिए। थैंक यू कॉमरेड। थैंक यू मित्रों, और आप लौट कर जहां जहां जाइए ये पैगाम पहुंचाइए, आप हमारे सबसे बड़ा मीडिया का स्रोत है। सारे व्हाट्सएप हर मैसेज में दीजिए 3 दिसंबर से BSNL का चक्का अनिश्चित काल के लिए जाओ। इसी शब्दों के साथ आई रिक्वेस्ट कॉमरेड CL जोगी और सीनियर मोस्ट लीडर एंड पेट्रियन ऑफ दी चीफ पेट्रियन ऑफ दी संचार निगम, BSNL में क्या होगा? आग होगा, संघर्ष का आग होगा, संघर्ष का आग होगा, हम ये आग लगाएंगे, हम ये आग लगाएंगे। कॉमरेड आदरणीय शिव सिंह जी, कॉमरेड अभिमन्यु, कॉमरेड सेबेस्टियन, कॉमरेड प्रहलाद राय, कॉमरेड पाठक और अन्य हमारे कॉमरेड, कॉमरेड्स, ये हड़ताल जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय एसोसिएशन ऑफ यूनियंस एंड BSNL ने लिया है, मुझे आपको एक क्लियर स्पष्ट शब्दों में बोलना होगा कि ये हड़ताल 4 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं, ये हड़ताल 1-1.5 महीने तक चलेगा, और हम लोगों ने इस हड़ताल को 1-1.5-2 महीने तक चलाना है। कुछ नहीं होगा साथियों, 1 महीने की तनख्वाह जाएगी, 2 महीने की तनख्वाह जाएगी, BSNL बचेगा, हम बचेंगे, है कि नहीं? इस संघर्ष का आग हमारे हमारे भीतर, ये आग है संघर्ष का, हमारे आर में चिंगारी भी है, इस आग को जलाना है। We have to burn this fire of struggle. ये fire of struggle हमारे में एग्जिस्ट कर रहा है। हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है BSNL वर्कर का, किसी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट में कभी ऐसे संघर्ष नहीं हुए हैं जो DOT BSNL में हुए हैं, कहीं नहीं हुए, ये गर्व की बात है, और ये एक और हिस्ट्री हम लिखेंगे, एक और इतिहास हम लिखेंगे, जब ये आग मनोज सिन्हा के घर पहुंचेगा, नरेंद्र मोदी के घर पहुंचेगा, नरेंद्र मोदी को बताएंगे बदमाशी की तुमने टेलीकॉम सेक्टर में,
मुकेश अंबानी से टेलीकॉम सेक्टर को डिस्टेबलाइज किया, बीएसएनएल को डिस्टेबलाइज किया। हम टेलीकॉम बीएसएनएल को खत्म नहीं होने देंगे। तो साथियों, इस संघर्ष के लिए आप तैयार, ये बहुत ही गंभीर संघर्ष होगा साथियों। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी संघर्ष हुआ है जैसा अभी। जो चुनौती है ना, वो बहुत ही गंभीर चुनौती है। ऐसी चुनौती आपने तो बहुत देखी है। We face so many challenges in the past, and I don't have any time now. Be resolute, yaar. Be firm, determination. Because we have kid ke against fight kar rahe hain badmashon ke against. Aur sabse badmash kaun hai? Narendra Modi. This fight, this struggle is against highest political authority of the government, is it not? This struggle is against highest political authority of the country, because the destabilization of telecom sector वहां से शुरू हुआ है। It has started from there, and we are victims of that destabilization. तो साथियों, इस संघर्ष के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक संघर्ष होगा, जो हमारी डेस्टिनी, जो हमारी फेट, हमारी कंपनी का फेट डिसाइड करेगा। और मुझे कोई संदेह नहीं है, हम फ्लाइंग कलर से इस सत्या से निकलेंगे। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे ना। 3 दिसंबर से क्या होगा? संघर्ष का आग होगा, है कि नहीं? मेरा लाल सलाम आपको, रेवोल्यूशनरी ग्रीटिंग्स, और मेरा बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ स्ट्रगल। थैंक यू। नॉन एग्जीक्यूटिव पूरा देश में रैलीस कंडक्ट कर रहे हैं। दिल्ली में रैली, हर स्टेट का हेडक्वार्टर्स में रैली, हर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स में रैली। मामला ये है, ये सरकार बीएसएनएल को बंद कराना चाहते। बीएसएनएल को अब तक 4G स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं किया। सारे प्राइवेट कंपनी वाले 4G सर्विस शुरू कर दिया, लेकिन बीएसएनएल अब तक 4G सर्विस शुरू नहीं कर पा रहा। इसी के कारण बीएसएनएल काफी डाउन हो रहा। हमारा मांग है बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम अलर्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ 1/1/2017 लेकर के सरकारी कंपनियों का एग्जीक्यूटिव्स, नॉन एग्जीक्यूटिव्स को वेतन पुनरीक्षण मिलना चाहिए, पे रिविजन। लेकिन सरकार का कहना है बीएसएनएल को वेज रिविजन नहीं देंगे। वैसा ये हमारा पेंशन रिविजन, 2 लाख पेंशनर है, उनको पेंशन रिविजन नहीं दे रहा। इसके साथ पेंशन कंट्रीब्यूशन के नाम पर सरकार बीएसएनएल को जेब मारता, ज़्यादा पैसा हमसे खींचता। ये चारों मांगों को सेटल करने के लिए हम December 3 लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जाने का फैसला लिया। जब तक मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हमारा हड़ताल चलता रहेगा। थैंक यू।